अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएम एजुकेशन चैनल। पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने ड्रग स्टेबिलिटी और डिग्रेडेशन को डिफाइन किया था, तो इस लेक्चर में हम डिग्रेडेशन के फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फिज़िकल फैक्टर्स पढ़ते हैं कि फिज़िकल फैक्टर्स में हमारे पास टेम्परेचर, पीएच, आयनिक स्ट्रेंथ, एसिड बेस कैटालिसिस और यूवी लाइट होते हैं। सबसे पहले हम टेम्परेचर डिफाइन करेंगे। जनरली इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा। और ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो डिग्रेडेशन रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि ड्रग जल्दी डिग्रेड होगी। इसी तरह व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस 10 डिग्री सेंटीग्रेड देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स मल्टीपल 2 to 3 टाइम्स, यानी कि जब जब हमारे पास जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो तभी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 to 3 टाइम्स हमारे पास मल्टीपल हो जाएगा। डिग्रेडेशन रेट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी कि जो डिग्रेडेशन है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड होती है। अब बात करते हैं पीएच की। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन आल्सो अफेक्ट द डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन की जो कंसंट्रेशन है ये भी अफेक्ट करती है डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग्स पर। अब हमारे पास ड्रग में कोई ना कोई सॉल्ट तो प्रेजेंट होता है। जब पीएच जब डिस्टर्ब होगी तो जो आयनिक स्ट्रेंथ है और एसिड बेस स्ट्रेंथ ये चेंज हो जाएगी। ये क्यों चेंज होगी? क्योंकि ये सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए मैनी सॉल्ट्स आर डिग्रेड बाय द पीएच रिड्यूस और इंक्रीज। कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं हमारे पास जो पीएच के कम करने से या पीएच के इंक्रीज करने से वो हमारे पास डिग्रेड हो जाते हैं। अगर हम ऑप्टिमम पीएच की बात करें तो फॉर एग्जांपल कोई ड्रग है, अगर हम चाहते हैं कि वो स्टमक में डिज़ोल्व ना हो और वो जाकर हमारे इंटेस्टाइन में डिज़ोल्व हो, तो हम उसकी पीएच को इस तरह डिज़ाइन करेंगे कि जब वो स्टमक में जाए तो वहाँ पर डिज़ोल्व ना हो बल्कि हमारे इंटेस्टाइन में जाकर डिज़ोल्व हो, तो ये ऑप्टिमम पीएच होगा। अब बात करते हैं आयनिक स्ट्रेंथ की। आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग आल्सो इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ डिग्रेडेशन, यानी कि ड्रग की जो आयनिक स्ट्रेंथ है ये भी रेट ऑफ डिग्रेडेशन पर अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल डिपेंडिंग अपॉन दियर आयनिक स्ट्रेंथ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पोटाशियम आयन विद वाटर इज़ फास्टर देन दैट ऑफ सोडियम आयन्स, यानी कि अगर पोटाशियम आयन को पानी के अंदर अगर मिक्स करेंगे तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सोडियम आयन्स के मुकाबले में ज़्यादा फास्ट होगा। और इसी तरह अगर सोडियम आयन को पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कैल्शियम आयन के मुकाबले में ज़्यादा होगा। यानी कि अगर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि पोटाशियम आयन्स ग्रेटर दैन सोडियम आयन्स ग्रेटर दैन कैल्शियम आयन्स। अगर कोई ड्रग है, अगर हम उसको पॉजिटिवली डिज़ाइन करते हैं तो उसकी आयनिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए हम सॉल्ट की एडिशन करते हैं, तो अगर उसमें हाइड्रोजन आयन अगर कैटालाइसिस हो जाएंगे, यानी कि अगर हाइड्रोजन की कैटालाइस होगी तो ड्रग डिग्रेडेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई ड्रग है, अगर हम उसको नेगेटिवली डिज़ाइन करते हैं और उसकी आयनिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए कोई ना कोई सॉल्ट एडिशन किसी न किसी सॉल्ट की एडिशन करते हैं, तो अगर हाइड्रोक्सिल आयन की अगर कैटालाइसिस हो जाएगी तो जो ड्रग डिग्रेडेशन है ये डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि अगर हाइड्रोजन आयन कैटालाइज हो जाएंगे तो डिग्रेडेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, और हाइड्रोक्सिल आयन अगर कैटालाइज हो जाएंगे तो जो डिग्रेडेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई ड्रग है वो न्यूट्रल है तो किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की जो एडिशन है वो डिग्रेडेशन पर अफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एसिड बेस कैटालिसिस एंड यूवी लाइट को डिस्कस करेंगे।